आज के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लेन करेंगे द केरला स्टोरी मूवी के बारे में। इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था 26 अप्रैल को और तब से लेकर आज तक ये मूवी कंट्रोवर्सी में घिरी रही। डायरेक्टर और एक्टर पर केसेस और ट्विटर पर इसे बैन करने के लिए हैशटैग ट्रेंडिंग पर चल रहे थे। वहीं वेस्ट बंगाल में इस मूवी को ममता बनर्जी ने बैन कर दिया है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है। क्या है इस मूवी में, चलिए जानते हैं। मेरा नाम है और आप देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की एक जेल में फातिमा नाम की लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछा जाता है कि उसने ISIS कब और क्यों ज्वाइन की। इसके बाद वह लड़की अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। वास्तव में उसका असली नाम शालिनी था। वह हिंदू लड़की थी और भारत के केरल की रहने वाली थी। उस दौरान आतंकवादी संगठन ISIS सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया था। एक दिन उसका लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों से कहता है कि केरल जाओ और वहाँ पर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उनका धर्म परिवर्तन कराओ, उनसे शादी करो और हो सके तो उन्हें प्रेग्नेंट भी करो, फिर अफगानिस्तान लाकर उन्हें ISIS में भर्ती करवा दो, फिर उन्हें भी टेररिस्ट बना दो। इसके बाद वे मुस्लिम युवक केरल में आ जाते हैं और उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियों को भी भेजा जाता है ताकि वे लड़कियों को हर तरह से ब्रेन वॉश कर सके। आसिफा नाम की एक मुस्लिम लड़की शालिनी और उनकी सहेलियों से दोस्ती कर लेती है। वे नर्स की पढ़ाई कर रही थी। आसिफा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, लेकिन शालिनी कहती है कि वह तो भगवान शिव पर विश्वास करती है। इस पर आसिफा कहती है कि शिव कोई भगवान नहीं है, वह तो अपनी पत्नी सती के मारे जाने पर एक सामान्य पुरुष की तरह रो रहा था, वह भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन शालिनी कहती है कि यह एक सिंबल मात्र है। इसके बाद वह एक और चाल चलती है। वह ISIS द्वारा भेजे गए मुस्लिम लड़कों से कहती है कि शालिनी और उसकी सहेलियों के साथ छेड़खानी करे। शालिनी अपने दोस्तों के साथ मॉल में थी, तभी वहाँ पर भी मुस्लिम लड़के उनसे छेड़खानी करने लगते हैं। लड़कियाँ वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन लड़के भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लड़कियाँ किसी तरह जान बचाकर वहाँ से घर भाग आती है। इसके बाद आसिफा उनसे कहती है तुम इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बन जाओ और हिजाब पहनना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़कियों से छेड़खानी नहीं होती और ना ही उनका रेप होता है। यह सुनकर कुछ लड़कियां सच में ही अपना धर्म बदल लेती हैं और हिजाब पहनने लगती है, लेकिन शालिनी ऐसा नहीं करती। एक दिन अराफात नाम का लड़का शालिनी से मिलता है। वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है और धीरे धीरे शालिनी भी उसके प्यार में पड़ जाती है। एक दिन अराफात कहता है कि तुम धर्म बदल लो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पहले तो शालिनी मना करती है, लेकिन फिर अराफात कहता है कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिवार वाले नहीं मानेंगे। इसके बाद शालिनी मजबूर होकर इस्लाम अपना लेती है और हिजाब पहनने लगती है। अराफात उसका नाम फातिमा रख देता है और उससे निकाह कर लेता है। लेकिन शालिनी के घर वाले इस शादी के ख़िलाफ़ थे। वे उससे कहते हैं कि अराफात तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता और सिर्फ लव जिहाद की वजह से ऐसा कर रहा है। वे कहते हैं कि वापस घर आ जाओ, लेकिन शालिनी अफरात के प्यार में पागल थी। वह उनकी एक नहीं सुनती और अराफात के साथ दूसरे घर में चली जाती है। एक दिन अराफात शालिनी को अफगानिस्तान ले जाता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार नहीं करता, यह आसिफा की ही चाल थी, उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। यह सुनकर शालिनी हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि अराफात वास्तव में ISIS का टेररिस्ट था। इसके बाद वह शालिनी को ISIS के मुखिया को सौंप देता है। उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां केरल से लाई गई और भी हिंदू लड़कियां थीं, उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया था। एक दिन शालिनी को टेररिस्ट के साथ एक जगह भेजा जाता है। वहाँ टेररिस्ट निर्दोष लोगों पर गोली चलाकर उन्हें मार देते हैं। यह देख शालिनी रोने लगती है। वह देखती है कि अराफात भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अब शालिनी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसके बाद शालिनी को भी लोगों पर गोली चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद ISIS के लोगों ने उसके साथ मारपीट करते हैं और तरह तरह की यातना देते हैं। मजबूर होकर शालिनी भी ISIS की टेररिस्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। उन सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक दिन मिलिट्री पर हमला करने के लिए भेजा जाता है।
दोनों तरफ गोलीबारी होती है। अंत में शालिनी पकड़ी जाती है, अफगानिस्तान के मिलिट्री ने गिरफ्तार करके जेल डाल दिया और यहीं पर शालिनी अपनी कहानी ख़त्म करती है। इसके बाद फिल्म फिर से मौजूदा समय में आ जाती है। अंत में शालिनी कहती है कम से कम 32,000 केरल की लड़कियों को ISIS में भर्ती कर लिया गया है। इसके लिए इस फिल्म की काफ़ी निंदा भी की गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं ये आंकड़े कैसे और कहां से किसने दिए हैं, और यह शायद यह हिंदूवादी ग्रुपों का एजेंडा है, इसलिए यह फिल्म आते आते ही बहुत विवादों में घिरी रही। तो फ्रेंड्स, द केरला स्टोरी का एक्सप्लेन कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा। मैंने इस फिल्म को सीन बाय सीन नहीं बताया है, मैंने एक मोटे तौर पर इस मूवी का स्टोरी क्या है यह बताने की कोशिश की है, ताकि आपको यह पता चल सके कि इस मूवी की कहानी क्या है। तो फ्रेंड्स, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।